डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम यू इन ऑनलाइन क्लासेज ऑफ बिशप अकेडमी महाराजगंज। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में कुछ फार्मूला देखा गया था, साइन सी प्लस साइन डी, कास सी प्लस कास डी, टू साइन ए कास बी, टू साइन ए साइन बी, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जाएँ। आइए देखा जाए कुछ क्वेश्चन। एग्जाम्पल, प्रूव दैट कास फाइव है कास फाइव है प्लस कास थ्री है प्लस कास ए अपान साइन फाइव है माइनस साइन थ्री है प्लस साइन ए इक्वल टू काट ए। साइन फाइव है माइनस साइन थ्री है प्लस साइन ए इक्वल टू काट ए। ध्यान देंगे, अगर यहीं प्लस रहता, सपोज दैट कास फाइव है प्लस कास थ्री है प्लस कास ए अपान साइन फाइव है प्लस साइन थ्री है प्लस साइन ए, अगर ऐसे रहता तो इसका वैल्यू क्या होता? तो इसमें देख रहे हैं, सबसे बड़े वाले और सबसे छोटे वाले, इन दोनों को ऐड करेंगे तो फाइव है प्लस है सिक्स ए होगा, उसका हाफ कर लेंगे थ्री ए, बीच वाला टर्म आपका थ्री है। ऐसे नीचे भी बन रहा है, फाइव है प्लस है सिक्स है, उसका हाफ करेंगे थ्री है, और यहाँ भी थ्री है, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते हैं क्या, कास अपन फाइव का टर्म है तो इसको लिख सकते हैं काट थ्री ए। लेकिन अगर ए न्यूमरेटर में होता, डिनोमिनेटर में होता, तो क्या हो जाता, टेन थ्री है। और इसमें ध्यान देंगे, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ माइनस है, अगर प्लस रहता तो आपका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते थे क्या, काट थ्री है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कास फाइव है प्लस कास थ्री है प्लस कास ए अपान साइन फाइव है माइनस साइन थ्री है प्लस साइन ए। अब इसमें कैसे एडजस्ट करेंगे, इन दोनों को एक साथ कर रहे हैं, आपको वैल्यू ए लाना है, ये वाले को अलग ही रहने देंगे, तो इनको एक साथ एडजस्ट करेंगे, कास सी प्लस कास डी का फार्मूला यूज करें और इन दोनों को एक साथ एडजस्ट कर दिया जाए। या ध्यान देंगे, जैसा आप न्यूमरेटर में एडजस्ट करेंगे वैसे ही डिनोमिनेटर में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर सबसे बड़े सबसे छोटे को एक साथ करते तो डिनोमिनेटर में भी वही सेम वही आप प्रोसेस आप अप्लाई करते। अब यहाँ पर कास सी प्लस कास डी का फार्मूला, कास सी प्लस कास डी क्या हो जाएगा, टू कास सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू, जबकि साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी, पहले साइन सी प्लस साइन डी का क्या है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू। ध्यान देंगे, अगर साइन का टर्म तो एक साइन होगा एक कास होगा, लेकिन कास वाला दोनों टर्म दोनों कास में होते हैं या दोनों साइन में होंगे, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू, जबकि साइन सी माइनस साइन डी इसका फार्मूला क्या होगा, टू कास सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अब यह फार्मूला यहाँ अप्लाई किया जाए, कास सी प्लस कास डी, इसको लिख सकते हैं टू कास सी प्लस डी बाई टू, फाइव ए प्लस थ्री ए डायरेक्ट कर रहे हैं, फाइव ए प्लस थ्री ए अपान टू, तो फाइव और थ्री एट ए, एट ए अपान टू करेंगे, चलिए लिख दे रहे हैं, फाइव ए प्लस थ्री ए अपान टू इंटू कास सी माइनस डी, तो कास फाइव ए माइनस थ्री ए अपान टू प्लस कास ए टोटल अपान, डिनोमिनेटर में क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या है, टू कास सी प्लस डी बाई टू, टू कास सी प्लस डी यानी फाइव ए प्लस थ्री ए अपान टू इंटू साइन सी माइनस डी, तो साइन फाइव ए माइनस थ्री ए अपान टू प्लस साइन ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, टू कास फाइव ए प्लस थ्री ए, एट ए अपान टू दैट इज फोर ए इंटू कास फाइव ए माइनस थ्री ए, टू ए अपान टू कास ए हो जाएगा प्लस कास ए अपान, डिनोमिनेटर में क्या होगा, टू कास फाइव ए प्लस थ्री ए, एट ए अपान टू फोर ए इंटू साइन
फाइव ए माइनस थ्री ए, टू ए अपॉन टू यानी साइन ए हो जाएगा, प्लस साइन ए। अब न्यूमरेटर से क्या कॉमन होगा, कॉस ए कॉमन हो जाएगा, कॉस ए कॉमन करेंगे, टू कॉस फोर ए प्लस वन, टू कॉस फोर ए प्लस वन। डिनोमिनेटर से क्या कॉमन होगा, साइन ए, यहाँ पर आपका हो जाएगा टू कॉस फोर ए प्लस वन, टू कॉस फोर ए प्लस वन। देख रहे हैं ब्रैकेट वाले टर्म सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, कॉस ए अपन साइन ए, तो कॉस ए अपन साइन ए को क्या लिख सकते हैं, काट ए इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखा जाए, प्रूव दैट साइन ए माइनस सी प्लस टू साइन ए, साइन ए माइनस सी प्लस टू साइन ए, प्लस साइन ए प्लस सी अपान साइन बी माइनस सी प्लस टू साइन बी, साइन बी माइनस सी प्लस टू साइन बी, प्लस साइन बी प्लस सी, साइन बी प्लस सी इक्वल टू साइन ए अपान साइन बी, साइन ए अपान साइन बी। आपको प्रूव करना है, तो इसमें a माइनस सी एंड a प्लस सी इन दोनों टर्म को एक साथ कर लिया जाए, ऐसे नीचे वाले में इन दोनों को एक साथ कर लिया जाए, a और b वाले को सिंगल ही रहने दिया जाए, बिकॉज आपको क्या प्रूफ करना है, साइन a अपन साइन b, तो ये वाला टर्म ऐसे ही बना रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड साइन a माइनस सी प्लस साइन a प्लस सी प्लस टू साइन a अपान साइन बी माइनस सी प्लस साइन बी प्लस सी प्लस टू साइन बी। अब इसको साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले से ब्रेक कर लें, साइन सी प्लस साइन डी क्या लिख सकते हैं, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इन टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो इसको आप लिख सकते हैं टू साइन सी प्लस डी, दैट इज ए माइनस सी प्लस ए प्लस सी, ए माइनस सी प्लस ए प्लस सी बाई टू इन टू कॉस सी माइनस डी। तो कॉस ए माइनस सी माइनस ए माइनस सी अपॉन टू प्लस टू साइन ए, ऐसे ही रहेगा। ऐसे डिनोमिनेटर में भी साइन सी प्लस साइन डी के फार्मूले से इसको ब्रेक किया जाए, तो यह हो जाएगा टू साइन सी प्लस डी, बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी बाई टू, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इन टू कॉस सी माइनस डी, तो बी माइनस सी माइनस बी माइनस सी बाई टू प्लस टू साइन बी। हाँ, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, सी और सी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर ए और ए कैंसिल होंगे, इसमें भी सी कैंसिल हो जाएगा और इसमें बी कैंसिल होगा, टू साइन टू भी कैंसिल हो जाएगा, टू दोनों से कॉमन हो जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ पर, साइन ए प्लस ए, इसको लिख सकते हैं साइन ए, ए प्लस ए बाई टू दैट इज साइन ए इन टू कॉस माइनस सी बाई टू माइनस टू सी बाई टू यानी माइनस सी आएगा, और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं कॉस सी प्लस टू साइन ए अपान, ऐसे डिनोमिनेटर में टू साइन टू तो कॉमन हो गया है, टू नहीं है,
यहाँ पर क्या होगा, साइन बी प्लस बी बाई टू दैट इज साइन बी इंटू कॉस सी प्लस साइन बी। अब न्यूमरेटर से क्या कॉमन होगा, साइन ए को कॉमन कर सकते हैं, साइन ए इंटू क्या मिलेगा कॉस सी प्लस वन, कॉस सी प्लस वन, और डिनोमिनेटर से साइन बी को कॉमन कर लिया जाए, साइन बी इंटू कॉस सी प्लस वन, टर्म कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू क्या आ जाएगा साइन ए अपन साइन बी, ये प्रूव करना था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन फाइव है माइनस साइन सेवन है, प्रूव दैट साइन फाइव है माइनस साइन सेवन है प्लस साइन एट है माइनस साइन फोर है, साइन एट ए माइनस साइन फोर ए अपान कास फोर ए प्लस कास सेवन ए, कास फोर ए प्लस कास सेवन ए माइनस कास फाइव ए माइनस कास एट ए इक्वल टू काट सिक्स ए, काट सिक्स ए, ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, टोटल फोर टर्म है, तो इसमें ग्रेटर सबसे बड़े वाले और सबसे छोटे वाले को एक साथ एडजस्ट कर लिया जाए और बीच वाले दोनों को एक साथ, तो साइन एट ए माइनस साइन फोर ए को एक साथ एडजस्ट करना है, यानी इसको आप लिख सकते हैं हम साइन एट ए माइनस साइन फोर ए प्लस प्लस क्या, इसमें माइनस कॉमन कर ले रहे हैं, माइनस साइन सेवन ए माइनस साइन फाइव ए अपान ऐसे डिनोमिनेटर में भी एडजस्ट कर लें, कॉस एट ए, कॉस एट ए और कॉस फोर ए को एक साथ एडजस्ट कर लिया जाए, कास फोर ए माइनस कास एट ए प्लस कास सेवन ए माइनस कास फाइव है, कास सेवन ए माइनस कास फाइव है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस को कॉमन करना है, माइनस माइनस कॉमन करेंगे तो कास फाइव है माइनस कास सेवन ए हो जाएगा। अब इसको साइन सी माइनस साइन डी के फार्मूले से ब्रेक करना तो क्या हो जाएगा, टू टू कॉस सी प्लस डी बाई टू एट ए प्लस फोर ए बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, तो एट ए माइनस फोर ए बाई टू माइनस, ऐसे इसको भी ब्रेक कर लें, साइन सी माइनस साइन डी तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू सेवन ए प्लस फाइव ए बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी सेवन ए माइनस फाइव ए बाई टू अपान ऐसे डिनोमिनेटर में कासी माइनस कास डी, तो कासी माइनस कास डी, कासी प्लस कास डी का फार्मूला क्या है, टू कास सी प्लस डी बाई टू इंटू कास सी माइनस डी बाई टू, जबकि कासी माइनस कास डी का क्या होगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, यह ध्यान देंगे इसमें माइनस वाले में टोटल साइन का टर्म हो जाएगा, तो कासी माइनस कास डी का फॉर्म इसको लिख सकते हैं टू साइन सी प्लस डी फोर ए प्लस एट ए, फोर ए प्लस एट ए बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी, इंटू साइन डी माइनस सी दैट इज एट ए माइनस फोर ए बाई टू डी माइनस सी बाई टू,
और इसको cos c माइनस cos d, इसको भी उसी फार्म से ब्रेक करेंगे तो 2 sin c प्लस d बाई टू, तो 5a प्लस 7a बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी, तो 7a माइनस 5a अपान 2, 2 कॉमन हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, उसको कैंसिल कर ले रहा है, यह वैल्यू हो जाएगा cos 8a प्लस 4a, 12a अपान 2 दैट इज 6a इंटू साइन 8a माइनस 4a, 4a अपान 2 दैट इज 2a माइनस cos, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12a अपान 2 cos 6a इंटू साइन 7 माइनस 5 2a अपान 2 यानी साइन a हो जाएगा अपान, डिनोमिनेटर में क्या होगा साइन 4a प्लस 8a, 12a अपान 2 दैट इज 6a इंटू साइन 4a अपान 2 यानी साइन 2a माइनस, यहाँ पर वैल्यू आएगा साइन 5a प्लस 12 7a, 12a अपान 2 दैट इज 6a इंटू साइन, सेकेंड वाले में क्या होगा 7 माइनस 5 2a अपान 2 दैट इज a यानी साइन a हो जाएगा। अब न्यूमरेटर से क्या कॉमन बनेगा cos 6a, cos 6a इन ब्रैकेट साइन 2a माइनस साइन a, जबकि डिनोमिनेटर से क्या कॉमन होगा साइन 6a इन ब्रैकेट साइन 2a माइनस साइन a, ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे cos अपॉन साइन, इसको लिख सकते हैं cot 6a, यही प्रूव करना था। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू।